हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्केचअप के टेक्सचरिंग सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हम लोगों को टेक्सचर कैसे करना है, एक्सटर्नल इमेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ और नया सीखते हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आपको बताएंगे टेक्सचर पोजीशनिंग के बारे में कि आप टेक्सचर को पोजीशन कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लो कि आपने यहाँ पे एक ऐसे कुछ ले लिया है, ठीक है, मैंने एक बॉक्स ले लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे टेक्सचर देने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से टेक्सचर्स करेंगे, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था। अभी हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आप फाइल में जाओ, आप इंपोर्ट में आप जाइए, और इंपोर्ट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आपको जाना है ये अपने टेक्सचर पे, जहां पे आपने टेक्सचर्स को रखा हुआ है आप वहां पे चले जाइए। तो मैं जाता हूं वहां पे, चलिए मैं आ गया यहां पे टेक्सचर के अंदर। और यहां से जो करना है आप यहां से आप कर सकते हो लाइक ऑल सपोर्टेड इमेज, कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से कर लिया। और मैं यहाँ पे कुछ इमेज ले लेता हूँ, कुछ इसी तरीके के इमेज लूँगा, जैसे कुछ रोड वर्ड का इमेज अगर है तो वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि मैं उसको यहाँ पे बिठा के आपको दिखा सकूँ। मैं ले लेता हूँ एक, चलिए। तो ये देखिए हमने एक इमेज ले लिया यहाँ पे। अभी ये जो आपने इमेज लिया ना, तो ये जो आपका इमेज है ये क्या है, ये इमेज आ गया अभी यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे आया है ये इमेज आ गया है, ठीक है। तो जिस समय आप इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करते समय जब आप यहाँ से अगर कोई इमेज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया, तो आप इसको कर लीजिए टेक्सचर, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्सचर चाहिए, तो हम यहाँ पे कर लेंगे टेक्सचर और इसको हम कर देंगे इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट करने के बाद आप आसानी से इसके अंदर, सपोज मुझे यहाँ पे बिठाना है तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा और ये देखिए आसानी से मेरा टेक्सचर यहाँ पे बैठ गया। लेकिन अब टेक्सचर तो बैठ गया, लेकिन ये प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बिठाना है, हमें इसको घुमाना है, यानी कि ये ऐसे घुमा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप टेक्सचर पे जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा पोजिशन, ठीक है। अभी ये पोजिशन है जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको यहाँ लगाना है ऐसे, और इसको आप लगा दीजिए यहाँ, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे टेक्सचर्स को कुछ इस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, जी हाँ, ये देखें, और यहाँ पे हमारा टेक्सचर जो है बहुत खूबसूरती के साथ पोजीशन हो गया। अभी हम बाहर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हो कि आपका जो रोड का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और ये हमारा इमेज है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इमेज लिया हुआ है, अभी इसका क्या करना है कि अगर आप कोई भी चीज यहाँ पे लेते हो ना, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे आपने लिया हुआ है ऐसे कुछ, तो ये इमेज क्या करता है कि ये रेफरेंस के तौर पे ये इमेज काम करता है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और इसको ऐसे पिक कर लिया, और इसको आप ऐसे पिक कर सकते हो और यहाँ पे लाके इसको देखिए, अभी आप यहाँ पे जाएंगे और इसको ऐसे पिक कीजिए। देखिए ये पिक भी नहीं होगा, बिकॉज ये आपने इसको इमेज की तरह से यूज कर रहे हो आप, तो ये पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जब भी आप यहाँ से इंपोर्ट करें टेक्सचर, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से जब फाइल में जाएंगे आप इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से टेक्सचर्स को आपको याद से चूज कर लेना है, ठीक है। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आप जो चीज जो इमेज यानी कि जो टेक्सचर को आप इंपोर्ट करेंगे उसी पे ये अच्छे से काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ टाइल्स, और टाइल्स लेकर मैंने यहाँ पे सपोज मैंने ये वाली चीज इसके ऊपर दे दिया, तो आप यहाँ पे भी आप इसको टेक्सचर और पोजीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसकी पोजीशनिंग जो है आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये देखिए आप इसकी पोजीशनिंग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आप इसको जैसा पोजीशन करना चाहते हैं वैसा पोजीशन आप यहाँ पे इससे भी कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्सचर का अगर आपको पोजीशंस करने हैं तो आपको इसकी इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। अभी हमें इसको यहाँ पे ऐसे लाना है, कुछ देख रहे हैं आप, ये बढ़ता जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे
इस तरीके से हम इसको पोजीशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पोजीशन कर लिया और इसको ये देख रहे हैं आप, तो एकदम जैसा आपको पोजीशन करना है आप वैसा पोजीशन यहाँ पे बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी भी टेक्सचरिंग की जो पोजीशन है उसको हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे ये हो चुका है। अभी मैं एक चीज आपको और बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि सपोज मान लो कि ये एक रोड था आपने यहां पे बना लिया। ठीक है, अभी अभी सपोज मान लो कि आपने कहा कि ये सर, ये सपोज ऐसा एक रोड है, ठीक है, ये रोड है और मैंने इस रोड को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपने कहा कि सर अगर मैं इसमें, मैं चाहता हूं कि इसमें टेक्सचरिंग करूं, ये वाली टेक्सचरिंग इसमें करूं, तो क्या ये पॉसिबल है? जी पॉसिबल तो है, बट अब अगर ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और अब यहां पे ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये कर्व सरफेस है और हमारे पास कोई मैपिंग का ऐसा जो चीज होता है वो हमारे पास अभी नहीं है कि इसको हम किसी तरह से मैप कर सके। ठीक है, अगर आप सपोज आप यहाँ पे जाते हो और आप चले गए यहाँ पे और यहाँ पे आप इसके अंदर चले गए और यहाँ पे देख सकते हैं आप पैरामीटर है आपको, तो ये जो चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे से ना, इन्वायरमेंट ले लो या फिर जो भी आपको यहाँ से स्फेरिकल लेना है या कुछ भी, तो आप यहां से इसको नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ये जो है वो कर्व नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे सरफेस में अगर कभी कोई टेक्सचर्स करनी है, मतलब इस तरीके का अगर रोड को उसी हिसाब से समझिए रोड है तो ये आप चाहते हैं कि ऐसे हैं, तो इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा जो कि आपको मिल जाता है यहां से, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सटेंशन होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, तो आपको हो सकता है कि खरीदना भी पड़ सके। तो एक्सटेंशन वेयर हाउस है, आप यहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आकर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यहां पे आपको सर्च करना है कर्व्ड लॉफ्ट, ठीक है, या कर्व्ड कर्व लॉफ्ट ऐसे आपको यहां पे सर्च करनी है। आप सर्च करेंगे तो यहां पे आपको कर्व लॉफ्ट बोलकर एक विंडो मतलब एक एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको फ्री में मिले, हो सकता है कि वो उसके पैसे भी लगते हों, तो अगर पैसे लगेंगे तो फिर आपको वो पे करके ही काम आप वहां पे कर सकते हो। तो उस एक्सटेंशन के जरिए आप इजली काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक और नेम भी दे दूंगा कि कौन सा चीज़ है, तो आप वहां से अगर आप चाहो तो आप उसको वहां से लेकर और एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।